नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बीते दिन उत्तर प्रदेश में हुई मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत यूपी सरकार ने तरबूज, खरबूज और आम के सहित 46 सब्जियों को मंडी टैक्स से मुक्त कर दिया है। तो वहीं कैबिनेट ने किसानों को अब उनकी उपज मंडी के बाहर भी बेचने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके चलते किसान मंडी के बाहर अपने खेतों और बाजारों में भी अपनी उपज को बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री के अनुसार सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए उठाया है। तो वहीं सूर्य प्रताप शाही के अनुसार किसानों को भले ही मंडी के बाहर सब्जियों की बिक्री करने की अनुमति दे दी गई हो, मगर इसके बाद भी मंडियों में उनके लिए खरीद की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। हालांकि मंडी जाने वाले किसानों से मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसानों को सेवा शुल्क देना पड़ेगा। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सब्जियों और फलों से मंडी शुल्क हटाकर किसानों को एक राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सहित पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए कई मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार ने राज्य में डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की थी, तो वहीं अब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जो आम जनता के साथ ही किसानों के लिए भी बुरी खबर है। इससे जुताई बुआई के साथ अब फसलों की सिंचाई का भी खर्च बढ़ जाएगा। बता दें कि पंजाब सरकार ने डीजल के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है, तो वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी डीजल की कीमतों में 3.25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने 1 मई को ही डीजल की कीमतों में 1.10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। बीते दिन यूपी में भी डीजल के दाम में 1 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में प्याज किसानों को होती परेशानियों को देखते हुए हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने केंद्र सरकार से नाफेड द्वारा राज्य में खरीद किए जाने वाले प्याज की मात्रा बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फिलहाल नाफेड को राज्य से 40,000 टन प्याज खरीदने की जिम्मेदारी दी है, जबकि पवार ने केंद्र से इसकी मात्रा को बढ़ाकर 40,000 से 50,000 टन प्याज खरीदने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री रामविलास पासवान को भी पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि नाफेड जितने ज़्यादा प्याज की खरीद करेगा, उससे किसानों और उपभोक्ता दोनों को ही फायदा होगा। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोरोना वायरस के कारण देश भर में चल रहे लॉकडाउन का असर प्याज की कीमतों पर भी पड़ रहा है। प्रदेश के किसानों को प्याज बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ किसानों को पुराने प्याज की ही कीमतें नहीं मिल रही हैं, तो वहीं मंडियों में नई आवक का आना भी शुरू हो चुका है। और इस बीच कुछ खबरों की माने तो कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र में प्याज की मेन मंडी लासल गाँव को भी बंद कर दिया गया है, जिसे प्याज किसानों के लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वक्त ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।